एक बार फिर से वेलकम है आपका आपके अपने चैनल हैप्पी व्लॉग में। हम हर बार की तरह इस बार फिर से आज हम आ पहुंचे हैं नवाबों के शहर लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है, जिसे पुराने समय में अवध के नाम से जाना जाता था। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी इमारत जिसे पैलेस ऑफ लाइट्स और रेप्लिका ऑफ ताजमहल भी कहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छोटा इमामबाड़ा की। आज हम आपको लेकर चलेंगे छोटा इमामबाड़ा। तो यहाँ पे आपको गाइड करेगा, जो पूरा घुमाएगा, जो पूरी बिल्डिंग की जानकारी डिटेल देगा। सामने दरगाह है, उसमें आप खुद जाएंगे। अगर गाइड लीजिएगा तो यहीं पे गाइड आपको भेजा जाएगा, अगर चाहिएगा तो यहाँ पे गाइड भेजा जाएगा, अगर मर्जी आती है। लेकिन इमाम बारगाह में आपको दो दो चीज़ें हैं, हर चीज़ों का मकसद है। कि मकसद तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दरगाह है ये, इमाम बाड़ा रोज़ा। वो आप जिस तरह से मंदिर में श्रद्धा से मांगती हैं, इसी तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े में मांग सकती हैं। अच्छा। जो वहाँ के ऊपर आपके जो भी दुख है या तकलीफ है वो आप मांगेंगे, लेकिन जब वो आपकी दूर हो जाएगी तो आपको यहाँ पे मिठाई का डिब्बा चाय ला सकती हैं, चाहे नई चादर दुपट्टा ला के इमाम हुसैन के रोज़े पर चढ़ा सकती हैं, उसमें आपकी कोई मनाती नहीं। छोटा इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्थित है। छोटा इमामबाड़ा को हुसैनाबाद इमामबाड़ा भी कहा जाता है। नवाबी नगरी में स्थित छोटा इमामबाड़ा, जो एक तरह से ताजमहल की ही रेप्लिका है, यह छोटा इमामबाड़ा के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। इसकी बनावट काफी हद तक ताजमहल से मिलती है। छोटा इमामबाड़ा का निर्माण मोहम्मद अली शाह ने 1837 ईस्वी में करवाया था। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद अली शाह को यहीं पर दफनाया गया था। छोटे इमामबाड़े में ही मोहम्मद अली शाह की बेटी और दामाद का मकबरा भी बना हुआ है। मुख्य इमारत के सामने की नहर, बगल में बाग, एक तरफ सफेद मस्जिद और अंदर लगे महंगे झाड़ फर्नूस एकदम मिलते जुलते हैं। यही वजह है कि इसे देखने के लिए देश विदेश से सैलानी आते हैं। ये दरगाह है, यहाँ लोग आते हैं, दुआ मांगते हैं। ये चांदी का रसूल है, इस पर लोग बैठ के धर्म का प्रचार करते हैं। आप भी दर्शन करें, हिंदी जबान में सिंहासन बोलते हैं, उर्दू जबान में बोलते हैं मिंबर रसूल। इस पर ज्ञानी लोग बैठ के धर्म का प्रचार करते हैं। ये हरा झाड़ ये जापान का है,
ये छोटा झाड़ बर्मा का है, ये सफेद इंग्लैंड का है, और ये नीचे कबूतर है, नीचे पर नीले की कलम से कलम किया है, ये इस पर लिखा है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कुरान का पहला वर्ड है कासिदे सोरा फते सोरा नक्शे करबला मौला। ये चिट्ठी लेके मदीने से करबला को जा रहा है, ये पूरी बिस्मिल्लाह लिखी है रामायण में पढ़ते हूँ। इधर सामने आ जाए, यहाँ देखिए दो समाधि है। इसके अंदर सबसे महंगे ताजिया भी रखे हुए हैं। यहाँ रखे कई कई ताजिया, चंदन, मोम, हाथी दांत, जो सबसे महंगे चांदी के बने हुए हैं। ये देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगते हैं। छोटे इमामबाड़े की मुख्य चोटी पर एक सुनहरा और बड़ा गुंबद है। इस इमारत को अली शाह और उसकी माँ का मकबरा माना जाता है। मोहम्मद अली शाह और उनकी माँ, इनका कहना था कि माँ से बढ़कर कोई चीज नहीं। ये इनका ताज है डुप्लीकेट, ये लाल जोड़ी जर्मनी का है, पीली लाल टैनी चाइना की है। सामने आ गए, और ये देखिए ताजिया है मुंह, और 10 तारीख को दफन कर देते, नया बनाकर कई बार आप भी दर्शन कर छू सकते। लोग आते हैं, माथा टेकते हैं, दुआ मांगते हैं, 3 दिन लाइट होती है, महरम में 9 दिन खाना बढ़ता है, खाने में रोटी सब्जी मिठाई बढ़ती है। और ये ताजिया बहन की मारी, ये ताजिया पीकर का है, ये रखा रहता है, चाहे घुमाते हैं, 9 दिन महरम में यहाँ खाना बढ़ता है, कई जो कुछ भी अपने हाथ से करना चाहे कर सकते हैं। जगह है पढ़ाई के लिए, बच्चों के लिए, इज्जत के लिए, कारोबार के लिए, औलाद के लिए, इज्जत के लिए, रोटी के लिए, जो कुछ भी अपने हाथ से करना चाहे कर सकते हैं।
मकबरे के विपरीत दूसरी दिशा में सतखंड नाम का एक अधूरा घंटाघर है। कहा जाता है कि 1840 ईस्वी में मोहम्मद अली शाह की मृत्यु के बाद इसका निर्माण कार्य रोक दिया गया था। उस समय तक 67 मीटर ऊंचे इस घंटाघर की 4 मंजिलें ही बन पाई थी। इस इमाम बाड़े को अकाल के दौरान बनवाया गया था। उस समय हजारों मजदूर इसमें काम करते थे और उन्हें काम करने के बदले अनाज कार्यक्रम के माध्यम से आजीविका प्रदान की जाती थी। छोटा इमामबाड़ा को पैलेस ऑफ लाइट कहा जाता है क्योंकि त्योहारों के दौरान इसे अच्छी तरह सजाया जाता था। इस स्मारक में लगी झूमरें बेल्जियम से आयात करके लाई गई थी। इसे इंटीरियर के लिए मंगवाया गया था। वहीं गुंबद के ऊपर चांद बना हुआ है जिसकी गोद में उगता हुआ सूरज बना है। नहर के पास बने गेट के ऊपर एक मछली बनी हुई है जो हवा का रुख बताती है। मुस्लिम त्योहार मुहर्रम के अवसर पर इस इमामबाड़े की आकर्षक सजावट की जाती है और पर्यटक इसे देखने आते हैं। आइए अब बात करते हैं छोटा इमामबाड़ा की टाइमिंग की। सो दोस्तों, सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक छोटा इमामबाड़ा खुला रहता है। इसे देखने के लिए कम से कम 2 घंटे का वक्त होना चाहिए। एंट्री की फीस इंडियंस के लिए 25 यानी कि 25 रुपए और फॉरनर्स के लिए 300 यानी कि 300 रुपए टिकट है। चारबाग स्टेशन से सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर है आपका अपना छोटा इमामबाड़ा।